कैसे देख रहे हैं, हरियाणा में क्या होगा इस बार, जो है जनता क्या करने वाली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए एक बात मैं बता देता हूं आपको सीधे तौर पर, जिस तरीके से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हाफ हुई है उसी तरीके से हरियाणा से साफ हो जाएगी, ये बात मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से, यानी उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का गढ़ था, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से वहां बीजेपी की हालत खस्ता हो गई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,00,000 वोट से जीते हैं, तो इस बार हरियाणा में मुझे लगता है कि हरियाणा में तो भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं और ये सोचकर कह रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर नौजवानों का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी का मुद्दा, और हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर आता है। और ये चुनाव इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि ये चुनाव हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। हरियाणा के नौजवान तय करेंगे कि उनको बेरोजगारी से निजात चाहिए या नहीं चाहिए। और जिस तरीके से हरियाणा के जो नू में भी जो दंगा हुआ था वो भी आपने देखा, जो सोची समझी साजिश के, हरियाणा राज्य के अंदर एक बड़ा वोट बैंक है जाट भाइयों का, जितने भी तमाम जाट भाई हैं वो सारे के सारे आज भाजपा के अगेंस्ट हैं। और आज एक बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, हरियाणा का ये चुनाव इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि देश के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं का, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और हरियाणा से जो महिलाएं हैं 2,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं। ये मेरे घर का डेटा नहीं, ये डेटा है केंद्र सरकार का डेटा, जिस केंद्र सरकार के डेटा में ये कहा गया है कि हरियाणा से 2,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हैं जिनका कोई भी अता पता नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर राज्य से कोई बहन या बेटी गायब होती है तो उसको ढूंढने का जिम्मा किसका होता है? राज्य सरकार का। सरकार का है ना, राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार उन बेटियों का पता लगाने में असफल रही और आज तक उन बेटियों का पता नहीं कि हरियाणा से ले जाकर उन बेटियों के साथ क्या हुआ और वो बेटियां कहां गईं। तो ये चुनाव बेटियों को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। और हरियाणा के बाद चुनाव होना है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाद चुनाव होना है दिल्ली के अंदर, यानी ये जो चुनाव है ये बेहद खास होने वाले हैं क्योंकि अब इस देश की जनता एक तब्दीली चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन संसार का नियम है। और जिस तरीके से हरियाणा से रेसलर्स आते हैं, आपने देखा उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुआ, वो रेसलर्स भी इंतजार कर रहे थे कि हमें मौका मिले क्योंकि वो बाबा साहब के संविधान में भरोसा रखते हैं, और बाबा साहब के संविधान में भरोसा रखने वाला व्यक्ति सिर्फ कलम की ताकत का इस्तेमाल करता है, हम लोग सिर्फ इस कलम की ताकत में भरोसा रखते हैं। और हमारे देश के संविधान का सबसे बड़ा हक और अधिकार अगर हमें कोई है तो वोट डालने का अधिकार है। तो हरियाणा के पहलवानों पर, बेटियों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से हरियाणा की रेसलर्स बेटी धरने पर बैठी, हरियाणा के रेसलर्स धरने पर बैठे, बजरंग पुनिया और तमाम लोग जो धरने पर बैठे, और उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरीके से उनको बसों में घसीटकर दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, वो बात हरियाणा का एक एक नौजवान याद करता है, वो हरियाणा की एक एक बेटी को वो बात याद है। और वो मौका आ गया है जब हरियाणा की बेटी अपना बदला लेंगी, जब हरियाणा के नौजवान अपना बदला लेंगे भाजपा के खिलाफ वोटिंग कर। नायब सिंह सैनी कह रहे ना जो सीएम है वहां के कि वो हमारी भी तो बेटी है, बोल तो दिया उन्होंने। एक बात आप मुझे बताइए, अगर वो आपकी बेटी है तो ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता है जिसकी बेटी को सड़क पर घसीटा गया, बताओ मुझे, है कोई बीजेपी का ऐसा नेता जिसकी बेटी को सड़क पर घसीटा गया हो? अगर बीजेपी के कोई नेता का, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी को नेता की किसी बेटी को अगर पुलिस वाला रोक लेना तो ये वहां तांडव मचा देते हैं। आप तो घसीटने की बात कर रहे हैं, भूल गए आप वो दिन जब नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स चुरा था तो कैसे तुरंत मिल गया था, और देश की जनता का सब कुछ चुर चुका है, रोज गहने चुरते हैं, रोज स्कूटी चोरी हो रही है, रोज बाइक चोरी हो रही है, रोज लोगों के घर में डकैती डल रही है, रोज मर्डर हो रहा है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। मतलब आम जनता का सामान खो जाए तो खो जाए, लेकिन जैसी नेताओं का सामान चोरी हो तो तुरंत मिल जाता है। जेपी नड्डा की हाल ही में गाड़ी गायब हुई थी, कैसे मिल गई? आम जनता की तो नहीं मिलती, क्योंकि आम जनता की सरकार चाहती नहीं है कि खोई हुई चीज मिले। तो इसलिए इस देश की जनता चाहती है कि इस सरकार को भी हम खो दें और सरकार को भी भगा दें। जी राजनीति करी रेसलर्स पे, वो क्या रहे सीएम जो है। एक बात मुझे बताइए, तो आपको किसी ने राजनीति करने से मना किया है? आप भी घुमाइए देश के रेसलर्स को, गाड़ी पर बिठाइए, आप भी घुमाइए ना। आप क्यों नहीं घुमा रहे सैनी साहब? क्योंकि आपको डर लगता है, आपको डर लगता है कि भैया हम बेटियों को मान सम्मान क्यों दे इतना, आप तो ये सोचते हैं। आपको तो यही नहीं पता कि आपके राज्य से बेटियां गुम हो गई, वो कहां गई? आप सवाल का जवाब दे दोगे? आप भी घुमाइए विनेश फोगाट को, आप जाइए विनेश फोगाट को, और जाइए ना और ओलंपिक संघ पर जाकर केस करिए,
और पूछे कि विनेश फोगाट का एक बात मुझे बताइए। मैं आज विनेश फोगाट पे एक छोटी सी चर्चा करता हूं, बहुत शॉर्ट में, हालांकि मुद्दा नहीं लेकिन चर्चा करता हूं विनेश फोगाट पे। एक बात मुझे बताइए, एक रेसलर जब कुश्ती लड़ने के लिए जाता है तो उसके साथ में उसका एक ट्रेनर होता है जो उसकी पूरा डाइट चार्ट को मेंटेन करता है कि कब रेसलर्स को क्या दिया जाना चाहिए क्या नहीं दिया जाना चाहिए। तो यानी अगर विनेश फोगाट का वेट ज्यादा दिखाया जाता है तो उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? उसके ट्रेनर की, या तो ट्रेनर की है या फिर विनेश फोगाट का जान पूछ के उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, मुझे बताइए ना। लेकिन विनेश फोगाट इस देश की बेटी है और उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए क्योंकि उसने जो हौसला और जो जज्बा दिखाया वो आज देश की लाखों करोड़ों बेटियों की एक प्रेरणा स्रोतक बन चुकी है। क्योंकि उन्होंने जिसको हराया, वो लड़की कई साल से नहीं हार रही थी, उसको हराने का काम किया इस देश की मिट्टी ने, जो देश की मिट्टी ऐसे क्रांतिकारियों को पैदा करती है। और दिखा दिया हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां के नौजवान जो ना, यहां के जो लोग रहते हैं वो जमींदार लोग रहते हैं, जो ताकत वाले लोग रहते हैं, गुलाम वाले लोग नहीं रहते हैं यहां, यहां गुलामी वाले लोग नहीं है यहां। चुनाव पर फर्क बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई? ये जो हरियाणा के जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी मां से ज्यादा भारत मां से प्यार करते हैं। हरियाणा, पंजाब, सबसे ज्यादा बच्चे आपको यहां के मिलेंगे बॉर्डरों की रक्षा करते हुए। हरियाणा पंजाब भरा पड़ा है, जो अगर सेना में आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा हरियाणा, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, यहां के बच्चे हैं। क्योंकि यहां के बच्चे मिट्टी से प्यार करते हैं, मिट्टी के खेल खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और ऐसे खेल खेलते हैं जो भारत देश का विश्व में जाके नाम रोशन करते हैं। तख्ता पलट अभी इस बार हरियाणा का, हरियाणा में तख्ता पलट, हरियाणा में सरकार पलटने वाली, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव होगा, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जहां लगेगा सब भूल जाएंगे। पहली बात तो ये कि हरियाणा में, अगर आप जो कह रहे हो ना कि मोदी जी का चेहरा, अगर हरियाणा में मोदी जी का चेहरा सामने आया ना, तो जो 10-12 सीट आ रही होंगी ना, वो भी नहीं आ पाएंगी। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मुझे बताइए, अगर मोदी जी का चेहरा इतना कारगर होता तो सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली सीट यानी बनारस से मोदी जी लड़े, 1,00,000 वोट से जीते, 1,00,000, 1.5 लाख, पता चल गया ना आपको, 1,00,000 पर 1.5 लाख, मैं तो कह रहा हूं आपसे 1,70,000 से जीत हुए, मान लो जीते कितने, 1.5 लाख वोट से मोदी जी जीते, तो पता चल गया ना मोदी का कैलिबर खुद का कितना है। और मैं कहता हूं मोदी जी जिस दिन पंजाब से लड़ लिए ना, कहीं ऐसा ना जमानत भी जब्त हो जाए, पंजाब हरियाणा से लड़ गए तो, ये तो मोदी जी हिंदू मुसलमान करके 1.5 लाख वोट से जीत गए। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होता ना, गायब थी सरकार, ये भी लिख के ले लो, मोदी जी खुद हार जाते, वो हिंदू मुसलमान की बदौलत तो चुनाव बनता है। लेकिन हरियाणा में, मैंने आपको पहले भी बोला और अब भी बोलूंगा कि हरियाणा में जाटों का वोट है और जाट अब इस बात को समझ चुके कि हमारे साथ सरकार किसके साथ है, मेरी है जी, इंडिया का हिस्सा है ना। जैन चौधरी को तो वोट मिलता है सिर्फ और सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, आपको बता दूं। और जैन चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया जैन चौधरी ने, आप मुझे बता दो ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया जैन चौधरी ने? तो आप इस बात को तो भूल जाओ कि जैन चौधरी को खुद इसलिए जिताते हैं जाट लोग क्योंकि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में। और माननीय श्री चौधरी चरण सिंह ने जो इस देश के लिए किया है, इस देश के किसानों के लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, है और रहेंगे। और पूरा देश, मेरी बात सुन लीजिए, और दीपेंद्र हुड्डा की जब आप बात करते हैं तो पहली बात तो यह कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो नौजवानों का नेता है, आपको बता दूं। तो उनके पिताजी गाड़ियों में जाके विनेश फोगाट के साथ घूम रहे हैं। तो भैया एक बात आप मुझे बताओ, और क्या विनेश फोगाट को पैदल लेके चलें? भाई जो बेटी अरे कैसी बात कर रहे हो, वो गाड़ी में लेके दीपेंद्र हुड्डा इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो दिखा रहे हैं, अरे है, अरे खुद आ जाती, उनको जाने की जरूरत है एयरपोर्ट से लेके। अरे ये बात तो नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए, ये काम तो सरकार का होना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आप वहां डिस्क्वालीफाई हो लेकिन आप भारत देश में जीते हुए हो, ये तो काम सरकार का करना चाहिए। जब सरकार नहीं पहुंची, आपका मोदी नहीं पहुंचा, सैनी नहीं पहुंचे, तो दीपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचे और बड़ी गर्व की बात है भाई, जो देश की बेटी। हमारे लिए विनेश फोगाट जीती थी, है और हमेशा जीती रही है, याद रखिएगा, पूरे देश के लिए वो जीती हुई है। तो आपको तो उसका सम्मान बढ़ाने के लिए फूलमाला लेके एयरपोर्ट पे पहुंचना चाहिए, लेकिन ओहो तो एहसान कर दिया मोदी, मिठाई भेज दू, 1 किलो लड्डू भेज दू, बादाम भेज दू, या क्या भेज दू उसको, ट्वीट करके एहसान कर दिया है। मोदी जी के परिवार की बेटी है, मोदी जी के परिवार की, मोदी जी का कौन सा परिवार आ गया? कई मरतबे मोदी जी ने मुलाकात करी आपने, मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि हाँ, तो मोदी जी का परिवार का हिस्सा मणिपुर नहीं है? मणिपुर पर तो नहीं बोले एक बार भी कि मेरी बेटी के साथ में निर्वस्त्र करके घुमा दिया, क्यों नहीं बोलते? मणिपुर मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? खाली खाली लंबी लंबी फिकवा लो इस आदमी से, बस और कुछ नहीं होता। वहां पर 15 अगस्त पे लाल किले के भाषण में बिरसा मुंडा का जन्म नहीं पता इन्हें, बताओ कभी किसी को भी पैदा कर देते हैं, कभी ताले वाली कहानी अलीगढ़ में शुरू कर देंगे, वहां बांग्लादेश की लड़ाई लड़ ली। मतलब नरेंद्र मोदी जी आपके एडवाइजर कौन है? ये ठीक से स्पीच भी नहीं लिख पाते क्या?
एक अच्छा स्पीच लिखने वाला बंदा रख लीजिए जिसको एटलीस्ट ये तो पता हो कि बिरसा मुंडा का जन्म कौन हुआ। और आपसे लाइव टेलीकास्ट में किसी ने पूछ लिया ना कि हु इज दिस बिरसा मुंडा, कि बिरसा मुंडा कौन थे, तो आप बता ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपसे कहता हूं कि उतना बोला करिए जो आपके पास, सुन लीजिए, जो आपके पास जवाब हो। जब आप ये बोलते हैं ना लंबी लंबी फेंकते हैं तो इस देश की जनता परेशान हो जाती है। इतनी लंबी मत फेंका करिए, थोड़ी सी फेंक लीजिए। माना कि आप तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक में लंबी लंबी फेंकने की, अभी कोई गेम नहीं आया ओलंपिक में लंबी लंबी फेंकने का, जिस दिन आ जाएगा आपको गोल्ड जीतने से कोई नहीं ले सकता, ये मैं बात दावे से कह रहा हूं। लेकिन अभी मत फेंकिए, इस जनता का इतना मत पागल बनाइए। ये जनता 15 लाख रुपए ही नहीं खर्च कर पाई अभी, और आप उसके बाद इतने सारे पैकेज देते हैं, मैं तो सोच के परेशान हूं। बीजेपी कह रही है कि ये तो साथ में ही नहीं है, इंडिया गठबंधन के सब टूटे हुए हैं, कांग्रेस ने लड़ दी है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो खुद इनमें खुद टूट पड़ी हुई है, कहां से मैं रहेंगे। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो है कि बीजेपी तो बड़ा सुसंगठित होकर चल रही है। बीजेपी में तो योगी आदित्यनाथ की अलग बेल्ट चल रही है, उधर क्या कहते हैं उनके जो डिप्टी सीएम है उनकी अलग बेल्ट चल रही है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की अलग बेल्ट चल रही है, और नितिन गडकरी की अलग बेल्ट चल रही है। तो बीजेपी तो बड़ा जुड़ के चल रही है, बीजेपी और आरएसएस मैं खुद में नहीं बन रही है। और आप बात कर रहे हैं बीजेपी की जुड़ने की, तो पूरे देश को पता है। और हरियाणा का चुनाव बीजेपी निश्चित तौर पर हार रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।